क्या चीज? अगर वक्त पे इलेक्शन नहीं कराए जाते तो पीटीआई का क्या मौका होगा? वक्त पे इलेक्शन तो वो तो वक्त तो मार्च में इलेक्शंस का, वो मार्च से पहले, मार्च तो वो दिल्ली दूरस्थ है, उससे पहले यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। ये जो वजीर आजम चुने आसिफ जरदारी ने, इसलिए सिर्फ कि वो उसकी करप्शन को प्रोटेक्ट करेगा और वो खत नहीं लिखेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मेमो गेट सामने आने वाला है, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी ताकतवर जुडिशल कमीशन नहीं बैठी जिसने ये इन्वेस्टिगेट किया। और जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं इस कमीशन, उसमें हुसैन अकानी ने अमरीका को कहा है कि हमारी मदद करें, हमारी यानी कि आसिफ जरदारी की मदद करें, हम आपको फौज भी कंट्रोल कर देंगे, आपको तालिबान से भी हम जंग जता देंगे और हम आप पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो भी सिक्योर कर देंगे। यानी ये साबित किया है कि इन्होंने जो एनआरओ का मुआहिदा था कि इन्होंने अमेरिका की पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाना था, अमेरिका के पाकिस्तानी कौम के मफादात को ख़त्म करके अमेरिका के जो डिक्टेशन है वो मुसल्लत करना था पाकिस्तान पे, यानी कि पाकिस्तान के मीर जाफर बनने थे और उसकी बदले में अमेरिका ने इनको करप्शन केस माफ़ करवाए हैं एनआरओ में। सर, जी 12 मई का जो वाकया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान टंडू मोहम्मद खान में जिले सदर इकबाल निजामानी की रिहायश गाह पर